तो आज हम बताएंगे आपको कार के अंदर ऐसा क्या प्रॉब्लम आ जाती है जिसके वजह से एसी कूलिंग करना बंद कर देती है। तो इसीलिए आपके लिए एक वीडियो लेके आए हैं स्विफ्ट कार का, और इसका एसी कूलिंग वर्क नहीं करता है, कूलिंग भी नहीं है इसमें, नॉर्मली कूलिंग है। तो इसका पहले आपको आवाज़ सुना देते, एसी जब भी चालू करते तो इसके अंदर आवाज़ आने लगती है ब्लोअर साइड में से। तो इसको चालू करके पहले आपको आवाज़ सुनाते हैं। ये देखो, ये देखो इसका ये ब्लोअर है, इसमें चालू किए तो ये आवाज़ आता है कर 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 कर। इसके अंदर शायद मेरे हिसाब से इसमें अंदर कचरा फंसा हुआ है, इसको हम खोलेंगे। पहले इसको और स्पीड में बढ़ा के देखते हैं, इसको दूसरे नंबर पे डाल के चेक करते हैं किसी का आवाज़। चार नंबर पे कुछ ज़्यादा ही आवाज़ मार रहा है, बहुत ही ज़्यादा मार रहा है चार नंबर पे। तीन नंबर पे तो नॉर्मली है, क्योंकि आवाज़ मार ही रहा है, लेकिन चार नंबर पे बहुत ज़्यादा मात्रा में आवाज़ मार रहा है। तो इसको पहले हम सबसे पहले इसको खोलेंगे, खोलने के बाद इसको चेक करेंगे क्या है। अगर आपकी कार सर्विस कराने के बावजूद भी अगर कूलिंग नहीं करती है तो भी कमेंट बॉक्स पे ज़रूर लिखिएगा, मैं उसका भी प्रॉब्लम सॉल्यूशन बताऊंगा उस प्रॉब्लम का भी। आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं पूरा वीडियो देखना, आपके कार के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो लास्ट में बताऊँगा कि अगर आपकी गाड़ी कूलिंग बहुत कम कर रही है सर्विस कराने के बावजूद भी, तो भी एक ऐसी चीज़ बताऊँगा जिससे आपकी गाड़ी कूलिंग 100% करने लगेगी। लेकिन आपको उस चीज़ को, उस ट्रिक को एक हफ्ते में एक ही बार यूज करना रहेगा, हफ्ते में सिर्फ एक बार। तो चलिए अपने वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो जो ये आवाज़ मार रहा था एसी चालू करने के बाद, तो ये ब्लोअर है, इसके ब्लोअर के अंदर कचरा फंसा है, इसको हम साफ़ करेंगे, पूरी तरीके से क्लीन करेंगे, उसके बाद इसको फिटिंग करेंगे। पहले तो इसको खोल करके क्लीन कर लेंगे। वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबा होते जा रहा है तो हम वीडियो कुछ स्किप कर देंगे, और जो मेन पॉइंट है वो आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले ये देखो, इसका कूलिंग कॉइल है, कूलिंग कॉइल के अंदर पूरी तरीके से कचरा भरा पड़ा है। ये देखो पूरी तरीके से जाम है, पूरी तरीके से पूरा एकदम जाम पड़ गया है। देखो कागज़ है, बहुत सारा इसमें कचरा चिपका हुआ है, इसके वजह से कूलिंग नहीं करती है, पूरी तरीके से कचरे से भरा पड़ा है ये कूलिंग कॉइल। मेन यहाँ फॉल्ट है, जो एसी कूलिंग नहीं कर रही ये कार का, ये मेन यहाँ पास इसका फॉल्ट है कि ये पूरी तरीके से जाम पड़ा है, इसी वजह से कूलिंग नहीं कर पाती है। इसको पूरी तरीके से क्लीन करना पड़ेगा, एकदम चमचमाता बनाना पड़ेगा, एकदम शाइनिंग करना चाहिए ऐसा बनाना पड़ेगा अपने को। तो सबसे पहले इसका कचरा निकालेंगे, निकालने पर इसको पूरी तरीके से क्लीन करेंगे। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि पूरी तरीके से हम लोगों ने इसको क्लीन कर लिया है। देखो ये देखो, हम लोगों ने बहुत ही साफ़ सफाई से इसको क्लीनिंग किया है। तो अभी ये
हम फिटिंग करेंगे, फिटिंग करने के बाद आपको दिखाते हैं, और वो साथ में ब्लोअर जो आवाज़ मार रहा था उसको भी फिटिंग करेंगे, पूरा कंप्लीट करेंगे कार को। उसके बाद का आपको वीडियो दिखाएंगे कि आवाज़ आती है, आपको उसमें सुनाएंगे भी आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही है, और एसी कूलिंग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, आपको उसमें भी दिखाएंगे पूरी तरीके से। पहले इसको फिटिंग कर लेते हैं, उसके बाद दिखाते हैं। तो हमारा अगला टॉपिक वो जो बता रहा था आपको, ऐसी कौन सी ट्रिक है जिसके जरिए हम अपनी अपने कार के कूलिंग को बढ़ा सकते हैं। तो ये बताता हूँ, कार के आगे बम्पर में, कार के सामने जब बम्पर होता है, बम्पर के अंदर जो कंडेंसर लगा होता है एसी कंडेंसर, उसको पानी से धुल देना है अपने को, बाहर से पानी मार देना है उसके अंदर, बाहर से बम्पर से है ना पानी आपको मारना है। आपको देखो जूम करके दिखा रहा हूँ, ये पूरी तरीके से गंदा है, इसके अंदर है ना पानी मारना है, गाड़ी बंद रहने पे ही मारना, स्टार्ट करने के बाद मत मारना, कहने का मतलब जब एसी बंद कर देना उसके बाद मारना, कार ही बंद कर दो आप, कार बंद करने के बाद इसमें पानी मार देना और उसके बाद फिर एसी स्टार्ट करना, पहले इसमें मारना इसके अंदर से, बाहर से आप मार सकते हो इजीली, बहुत अच्छे तरीके से बाहर से इसमें पानी मारना आ जाएगा अपने को, इधर से नीचे से मार देने का, और थोड़ा सा ऊपर देखो, ऊपर भी जाली लगी रहती है, सभी गाड़ियों का एक ही जैसा रहता, सभी गाड़ियों में जाली लगी ही रहती है, तो ये मारने से अपने कार की कूलिंग बढ़ जाएगी। और हफ्ते में सिर्फ एक बार मारना है, ज़्यादा मारेंगे तो ये सड़ा देगा, कहने मतलब ज़्यादा सड़ जाएगा उस, जंग आ जाएगा उसमें, कार्बन आ जाएगा, तो हफ्ते में सिर्फ एक बार मारने का तो नुकसान बिल्कुल नहीं होने वाला, अगर ज़्यादा यूज करते हो तो फिर ऐसा होने वाला है। और हाँ, कूलिंग 100% बढ़ेगी अगर कूलिंग कम दे रही है तब, अगर एकदम से नहीं दे रही है तो फिर वो दूसरा आपका फॉल्ट है। ये देखो अभी ये कूलिंग कुछ ही सेकंड में कूलिंग पकड़ ली, तुरंत फिटिंग कर चुके हैं, कुछ ही सेकंडों के अंदर कूलिंग अच्छा कूलिंग कर रही है, अभी अच्छा कूलिंग कर रही है, ज़्यादा टाइम भी नहीं स्टार्ट हुए। और चलो इसके अंदर देखते आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही, उसके अंदर का भी चेक करते हैं हम, इसके अंदर आवाज़ जो आती थी वो अभी भी आ रही है या बंद हो गई है। अभी एसी चालू करेंगे और नॉर्मल एक पे डाल के चेक करेंगे कि आवाज़ आ रहा है या आ रहा है तो कितना आ रहा है या नहीं आ रहा है, इसको सुनते हैं पहले। एक पे तो नहीं आ रही है, एकदम बारीक सी है, वो भी ब्लोअर की है, आवाज़ तो ख़त्म हो गई, लेकिन फिर भी हम इसको चार पे डाल के चेक करते हैं। चार पे डालने के बाद क्या आवाज़ आती है क्या, अभी तो फ़िलहाल एक पे चल रही थी, हम लोग इसको बढ़ाते हैं चार पे, तो इसको चार पे डालने के बाद देखते हैं क्या आवाज़ आता है या नहीं। तो इसको चार पे डालो, देखो अभी चार पे डाल के आवाज़ चेक करते, चार नंबर पे डालने के बावजूद भी एकदम थोड़ा सा आवाज़ आ रहा है, कहने में तो वो भी ब्लोअर का है, हवा का, क्योंकि जब ज़्यादा मात्रा में हवा आता है उसकी जो एयर पास होती है अंदर से एसी पैनल से, तो थोड़ा सा आवाज़ मारता है, वो भी हवा का रहता है, हवा का, तो आवाज़ अभी ख़त्म हो गया है। एसी कूलिंग भी बराबर तरीके से करने लगी है। तो अगर आप हमारे YouTube चैनल पे नए हो तो हमारे वीडियो को लाइक करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। तो मिलेंगे नए वीडियो नए टॉपिक के साथ, तो जब तक के लिए नमस्कार। हमसे कुछ बताने में छूट गया हो तो कमेंट में ज़रूर बताओ।